नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास ये केनोट का एक्सटीरियो आया है। इसमें दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए, यहाँ पे सिर्फ ऑक्स कनेक्शन है और ये सीडी, और जो है इसमें रेडियो चलता है। इसमें कस्टमर ने बोला इसमें कैसे ब्लूटूथ लगा सकते हैं। देखिए, हम तो कॉर्ड में बजा सकते हैं, लेकिन कॉर्ड में से लगाने से हमारा मोबाइल जो है इसके साथ में बंधा रहता है, तो हम इसको अंदर में कैसे ब्लूटूथ लगाए, अंदर में ब्लूटूथ लगा देते हैं। इसका मॉडल नंबर भी आप देख लीजिए, इसमें यूएसबी नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आज हम ब्लूटूथ लगाने जा रहे हैं, और कैसे ब्लूटूथ लगाएंगे आप देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब भी आपको समझ में आएगा। बीच में अगर स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको आज डिटेल में बता सकता हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं चलिए आपको वीडियो में ले चलता हूँ। ये दोनों 12 वोल्ट का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। ये दोनों एक साथ में क्यों है, क्योंकि इसमें 12 वोल्ट हमेशा मिलते रहता है, और इसमें जो है गाड़ी का चाबी ऑन करने से ही इसमें 12 वोल्ट आता है। तो दोनों को हमने एक साथ कर दिया, और इसका ग्राउंड कनेक्शन है, नेगेटिव कनेक्शन है, और ये सारे जो है स्पीकर कनेक्शन है। ये दोनों को, तीनों को छोड़ करके, ये देखिए यहाँ पे 8 कनेक्शन है, आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है। फ्रंट या बैक, ये वाला फ्रंट है, ये वाला बैक है, ठीक है। इसमें अभी हम लाइन दे करके देखते हैं इसमें किस तरह से हम इसमें ब्लूटूथ लगाएंगे, देखते रहिए। क्योंकि देखिए, ये स्टीरियो में यूएसबी सिस्टम नहीं होता है, तो ये स्टीरियो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसमें देखिए कंपनी कहाँ का है, मलेशिया का है, ठीक है। इसका मॉडल नंबर आप देख लीजिए। इसका जो निप्पॉन है ये भी यूज़ करते हैं। इसका असल कंपनी का नाम है केनूड, ठीक है। तो इसको हम पहले इसमें ब्लूटूथ कैसे लगाएंगे, आपको पहले इसमें लाइन दे करके चेक कर लेना होगा। मीटर ले लिया है, यहाँ पे दोनों में हम नेगेटिव पॉजिटिव देख लेते हैं कितना वोल्ट आ रहा है, ठीक है। 12 वोल्ट आ रहा है, तो ये वाला हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ दिया, और नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़ दिया, ठीक है। इसमें हमें पहले स्पीकर लगाना है, ये हम यहाँ पे स्पीकर लगाते हैं। दो स्पीकर हम इधर लगा के इसका जो हम ब्लूटूथ लगाएंगे उसमें जो ऑडियो हम देंगे, यहाँ पे दो स्पीकर कनेक्शन हम कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम ब्लूटूथ लगा देंगे। कैसे लगाना है आपको दिखाएंगे, आप खुद ही कर सकते हो। ब्लूटूथ का लगाना कितना आसान है, आप खुद भी कर सकते हो। देखिए, मेरे वीडियो को देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ब्लूटूथ लगाना कैसे कैसे लगाना है सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले इसको खोल लेते हैं। खोलने से पहले हम इसको देख लेते हैं, ऑन है, ठीक है। इसको सोर्स दबाते हैं, या फिर ट्यूनर मोड आ गया, ठीक है। इसका रेडियो साउंड है, इसमें हमें ऑक्स ये लगाना है। मतलब ये ऑक्स का जो पॉइंट है ये हमारा बेकार पड़ा रहेगा जब हम ब्लूटूथ अंदर लगाएंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, पहले इसको खोल लेते हैं। इसको कैसे खोलते हैं आप भी देखिए, इस तरह से प्रेशर देने से ये खुल जाता है। ये हमारा दो ये पुर्जा है, इनको हटा लेते हैं। ये सेपरेटर आप मत भूलिएगा, ठीक है। ये सेपरेटर इस बोर्ड को शॉर्ट होने से बचाता है, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। तो यहाँ पे हमको
पहले हमको जो है सप्लाई बनाना है, और 12 वोल्ट ढूंढ लिया ये वाला। अभी हमारा स्टीरियो हमारा ऑन है, ठीक है, इसको बंद करेंगे, ये बंद हो गया, इसका वोल्टेज भी गायब हो गया। इसको फिर से चालू करते हैं, देखिए वोल्टेज हमारा चला आया, ठीक है। इसमें हमें एक रेगुलेटर आईसी जोड़ना होगा, ठीक है, 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे पास 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है, इसको हम पहले लगा लेते हैं। लगा कैसे लगाएंगे आपको दिखाएंगे। इसको हम अंदर में कहीं पे लगा देंगे, और इसको स्टीरियो को हमको पहले खोलना होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें ग्राउंड भी मिलेगा, यहाँ पे हमने स्क्रू, यहाँ पे जो सीडी का मैकेनिज्म है इसके साथ में इसका स्क्रू को लगा दिया। तो इसमें हम माइनस प्लस पहले कनेक्शन कर देंगे, 12 वोल्ट सप्लाई जो हमने इधर मिला था वो कनेक्शन हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। उसके बाद इसमें 12 वोल्ट सप्लाई देने के बाद 5 वोल्ट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। हम पहले 12 वोल्ट का जो कनेक्शन है उसको पहले सप्लाई दे लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमने सप्लाई कनेक्शन कर दिया, ये 12 वोल्ट सप्लाई है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों को हम इस तरफ लाएंगे, यहाँ से अंदर से ले जाएंगे सामने तक। पॉजिटिव हमारा आ गया, और ये नेगेटिव भी लाएंगे। ये देखिए ये दोनों आ चुका है। तो हम पहले सप्लाई कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। इसको चौड़ा छोटा कर लेते हैं, ये बहुत लंबा है। इसको भी छोटा कर देते हैं, पूरा स्टीरियो आपको खोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये हमने बीच में हमारा ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड कनेक्शन कर दिया, और इसका जो फर्स्ट कनेक्शन है इसको हम पॉजिटिव कनेक्शन लगा देंगे। देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन हमारा हो चुका है, ये अभी ऐसा ही रहेगा, ये हिलेगा नहीं, स्क्रू इधर कस दिया हमने, ठीक है। ये 12 वोल्ट का कनेक्शन भी हो चुका है, ठीक है, देख लिया आपने, यहाँ पे 12 वोल्ट पॉजिटिव है और बीच में इसका नेगेटिव है। तो हम पहले इसमें 12 वोल्ट का जो हमने स्विचिंग कनेक्शन किया, यहाँ से हमें 5 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है, नहीं आपको दिखाते हैं, पैनल को खोल लेते हैं। ये हो गया, पैनल हमारा फिटिंग हो गया, देखिए 5 वोल्ट हमें मिल रहा है, ठीक है। इसको बंद करते हैं, 5 वोल्ट चला जाएगा, देखिए 5 वोल्ट चला गया। फिर इसको ऑन करते हैं, देखिए 5 वोल्ट चला आया, ठीक है। ये हमारा 5 वोल्ट कनेक्शन हो चुका है। तो इसमें हम ब्लूटूथ, पहले इस तरह का ब्लूटूथ चिप्स है हमारे पास, देखिए
ये मार्केट में आपको मिल जाएगा 50-60 रुपये में, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो इसको हम कनेक्शन कर लेते हैं पहले। इसका जो कनेक्शन है, ये सब कनेक्शन हम छोटा छोटा तार लगा के कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो ये दोनों हमारा पाइप बोल सप्लाई है, और ये तीनों हमारा लेफ्ट राइट और ग्राउंड कनेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा निगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन हम कर लेते हैं, और कौन सा होगा आपको दिखाएंगे, कैसे होगा दिखाते हैं, देखते रहिए। ये हमारा दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव कनेक्शन है पाइप बोल्ट, और ये हमारा नेगेटिव कनेक्शन है। देखिए इस तरह से हमने किया है, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव है, और ये तीनों हमारा ऑडियो कनेक्शन है। और ऑडियो कैसे निकालना है आपको दिखाते हैं। पैनल को हमको लगाना है, अगर पैनल नहीं लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। पैनल को पहले यहाँ पे लगाना है, उसके बाद आपको ऑडियो चेक करना है दोस्तों। इसमें सप्लाई दे देते हैं, ये ऑन हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, ये एक साइड है, एक साइड ऑडियो है, और दूसरा साइड ये वाला है, ठीक है। ये दोनों हमारा मिल चुका है, तो यहाँ पे हम कनेक्शन कर देते हैं, इसको बंद करते हैं। ये हमारा दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड कनेक्शन है, ये ग्राउंड हो गया है, और ये हमारा लेफ्ट कनेक्शन है, और ये वाला है हमारा राइट का कनेक्शन, ठीक है। देखिए ये कनेक्शन पूरा हो चुका है, अब सामने से दिखाते हैं। देखिए ये हमारा ग्राउंड, ये लेफ्ट और ये राइट, और यहाँ पे देखिए वोल्टेज, ये हमारा पॉजिटिव है, और ये हमारा नेगेटिव है, और ये हमारा इनपुट पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव इनपुट है, ठीक है, आ गया। तो अभी इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको साउंड सुनाएंगे। इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे डबल टेप से, ऐसे ऐसे चिपका देंगे, ठीक है। तो पहले से डबल टेप लगा करके चिपका लेते हैं। ये हमारा डबल टेप है, ये बैठ गया है डबल टेप, इसको अभी इधर चिपका देते हैं। ये हो गया, ये दोनों क्वेट जो है थोड़ा इधर घिसा लेते हैं। अभी हमारा ये हो गया पूरी तरह से कंप्लीट, ठीक है। अब इसका जो कवर वगैरह है लगा करके आपको इसका साउंड सुनाते हैं। इसको फिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पूरी तरह से फिटिंग हो चुका है, ठीक है। इसमें अभी लाइन देंगे, और लाइन दे करके ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारा स्टीरियो जो है ऑन हो चुका है, स्टैंड बाई मोड में है। ये जो डेमो बता रहा है, डेमो को हम बंद कर लेंगे, बंद कर दिया। इसको सोर्स दबाते हैं,
ये ऑक्स में लग गया। अभी हम ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं। तो हमारा सारा फिटिंग वगैरह ओके हो चुका है, तो ब्लूटूथ हमने इसमें कनेक्ट कर लिया है। इसमें हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़िया से वर्क कर रहा है। इसका मोड चेंज करते हैं। स्टैंड बाय हो गया, ट्यूनर आ गया, रेडियो मोड, ये ऑक्स में आ गया। फिर से इसमें ब्लूटूथ चालू हो गया, ब्लूटूथ फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑप्शन चेंज कर दिया था। ठीक है, देखिए इसको ऑप्शन चेंज करते ही ब्लूटूथ बंद हो जाता है। ठीक है, ये मोशन, ये कनेक्शन हमारा बढ़िया से हो गया है, एकदम कंपनी फिटेड हो गया है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा दोस्तों?